तेरी आंखें झुकी झुकी तेरा चेहरा खिला खिला ओ बड़ी किस्मत वाली है वो प्यार तेरा जिसे मिला। अरे भाई भी तो गया था दो लड़कियों के साथ चक्कर चलाने, इसका पता किया जाए किस किस से किस हुई। ओए ओ हेलो ओ हेलो ओए ओए अब कौन सी नीलगाय का सांड घुस गया है, मुंह लटका के बैठा हुआ है। चोंच खोल चोंच, कुछ तो बोल। क्या है ये मामा जी, क्यों नहीं बनी ना एक भी गर्लफ्रेंड? आपको कैसे पता? अरे दो दो लड़कियों के साथ एक साथ बीन बजाएगा ना, तो यही होना था ना। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तामझाम। तूने क्या करना है समझ के, तूने कोई पीएचडी करनी है? मस्त रह। ये लड़कियां ना है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये लड़कियां प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्यूशन है। और तू तो बड़ा 30 बार खा बना फिरता था, आग लगा दूंगा, धुआं उठा दूंगा, फट्टे चाक दूंगा दोनों लड़कियों के। क्या हुआ? गलत फहमी थी, मेरा तो फुद्दू काट दे इन दोनों ने। बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम साले तू है। और प्रॉब्लम के पीछे जो वो आता है ना क्वेश्चन मार्क, वो भी तू है। क्यों? मैं तो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। क्यों? ये ठेका किसने दिया था तेरे को? दो दो लड़कियां कैच हो रही थी, दोनों छोड़ दी, गेम अलग गई, मैच अलग गया। मामा जी दिल जलाऊं, अब जले पर नमक मत छिड़को। नहीं तो और क्या, तेरी आरती उतारूं? दिल तो करता है ऊपर से ना मिर्च भी फेंक के नींबू निचोड़ दूं। कैसे जालिम बेरहम मामा हो। हाँ और क्या, साला इतना चाट गया तू मेरे को, थक गया मैं फार्मूले समझा समझा के, और नतीजा यहां बैठा हुआ है दुम दुबा के। पर मेरा कसूर क्या था? कसूर? तुझे गर्लफ्रेंड बनानी थी, करियर नहीं, कोई नोबेल प्राइज नहीं लेना था। एक वक्त पे दो दो लड़कियों के साथ इश्क करने की तेरी जरूरत कैसे हुई? यार पर मैं तो इश्क कर ही नहीं रहा था। अच्छा इश्क ना सही, तेरी डिक्शनरी में उसको रोमांस कहते होंगे। कुछ किया ऐसा? ऐसा तो कोई मौका मिला ही नहीं ना। ओए अकल के अंधे, कोई लड़की तेरे को सुनसान कैफे में लेकर जाती है और तू वहां पे वेटर के साथ रेसिपीज डिस्कस करता है। कोई लड़की तुझे एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट में लेके जाती है और तू ऐसे रिटर्न गिफ्ट उसको बुक स्टोर लेके चला जाता है। और कोई लड़की तेरे को अकेले में सीसीडी में बुलाती है और तू उसको किसी दूसरी लड़की से मिलने की सलाह देता है। मामा जी आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प बोथ ऑफ देम। पता नहीं किस मिट्टी का माधव है तू, तू मेरा भांजा हो ही नहीं सकता। क्या कह रहे हो? मुझे तो अब ये लगता है कि हॉस्पिटल में ना कोई मेरे भांजे को उठाकर ले गया और साले कद्दू हमारे को पकड़ा गया। तो अब? नहीं अब क्या, बस टेनिस खेल, सिंगल्स, पढ़ाई कर, करियर बना। चलता हूं। कहां जा रहे है? आपका ही तो सहारा होता था, वो भी खत्म हो रहा है। इमोशनल ब्लैकमेल। और देख वे, कभी अगर कोई कायदे की बात होगी तो मैं हूं, और तू ना ये बरसात में मेंढक की तरह फुदकना जो है ना ये बंद कर दे। नहीं फुदकूंगा, पर दिल के अरमा आंसुओं में तो बह गए ना। तो ठीक है ना, फिर एक नई लड़की ढूंढ लो, उसको बना लो गर्लफ्रेंड। एक और ना जी ना, मेरी तो बस हो चुकी है, बस तौबा। वैसे मेरी भी तौबा, भूल जा। बोले और फोन बज रहा है यार, उसको तो उठाओ। वो समीरा नहीं थी अपने थिएटर वाली, अपने कॉलेज की बेस्ट एक्ट्रेस, उसका फोन आ रहा है, पता नहीं अब इसको क्या प्रॉब्लम है। और सॉल्यूशन भी हो सकता है, टेक द कॉल। मामा जी रहने दो, फिर बेइज्जती करेगी। कर्टसी मैनर्स यार, लड़की का फोन है, उठाओ यार। हाय अर्जुन। हाय। तू यार अजीब आदमी है।
हाँ पता है, 10 लोगों के सामने तुमने ही समझाया था कि मैं कितना अजीब हूँ। नाराज है अभी तक? यार प्लीज यार, जले पर नमक मत छिड़क। ओहो, हमारे साथ ही डायलॉग। फोन क्यों किया है? क्यों, फ्रेंड्स फोन नहीं कर सकते? फ्रेंड? घंटे का फ्रेंड? तूने तो सबके सामने बोला था आगे से शक्ल मत दिखाना। अच्छा अब दिखा दे, वीडियो कॉल लगाऊं? रहने दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नौटंकी साला। नौटंकी कंपनी तो तेरी है। वाह वाह, हमसे उस्तादी। हो गया तेरा, अब मैं फोन रख रहा हूँ। मुंह मत लटका, शाम को रोज गार्डन में मिल, 5 बजे शार्प। ओके बोल, ओके ओके बोल। ओके चल लास्ट बार मिलता हूँ। आ जाना मेरी जान, बाय। ओके बाय। यार बड़ी स्वीट आवाज थी, क्या अंदाज, क्या नखरा, मजा आ गया भाई को। अब वो मेरी फिर बेइज्जती करेगी? नहीं यार, अब बेइज्जती नहीं करेगी, बल्कि अब तो मौका है। व्हाट मौका? देख, तू उससे मिलने के लिए ना 10 मिनट लेट जा। लेट? वो चिल्लाएगी। ओए ओ, मुंह लटका के रखना, नाराजगी दिखाना, उसको ये एहसास कराना कि तुझे उसकी बातों का ना यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, पर वो बोलेगी दफा हो जा। नहीं नहीं प्यारे, अब मुझे लगता है वो तेरे को मनाएगी। क्या? लड़की है यार, उसको पता होगा सारा कुछ। पर होगा क्या? किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कमल ड्रीम गर्ल। अंताक्षरी छोड़ो, और मुझे क्या करना है उसकी फिक्र करो। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मेरी बर्बादियों का जश्न बना रहे हो क्या? नहीं नहीं यार, अपनी कामयाबी का। कामयाबी और क्या, मैंने कहा था तेरे को कि समीरा को पिक ड्रॉप करते रहना। कमाल यार, मेरे तो फॉर्मूले कभी फेल होते ही नहीं। मतलब? यार मरती है वो तेरे पे, मिस करती है। गोली दे रही है? नहीं नहीं यार, गोली नहीं दे रही है, फोन पे ऑलमोस्ट डायरेक्ट एडमिट कर रही थी। अब कदर कर लाने की जान। कर ली कदर, तभी तो ये हाल है। अभी भी सब फिट हो सकता है, बस तू एक काम करना। और क्या करना है अब? जो भी वो बोले करने देना उसको, डांटे नखरा करे पुचकारे कुछ भी कहे, बस करने दियो। इतना कुछ कर सकती है क्या वो? बोलना मत, बेस्ट एक्ट्रेस भी है वो। कुछ नहीं होने वाला, बल्कि तबीयत से बेइज्जती करेगी वो, और ट्रेजेडी होगी एक बार फिर। खैर कोई ना, अब तो भाई को आदत सी हो गई होगी। बड़ा मजा ले रहे हो मेरी बेइज्जती का। यार मौके की नजाकत को समझ, ये मौका लव टू लव यू बेबी वाला भी हो सकता है। मामा हो ना दुश्मन, प्यार प्यार में फाड़ ही जा रहे हो। प्रॉमिस यार, अगर इस बार फट भी गई ना तो प्रवाह ले, मैंने ना सुई दाते से सिल दे दिए। सुई धागे से सिल दे दिए।